अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दोस्तों। आज का जो सुबह है, सबसे जबरदस्त। ओ कमरान, आज का जो सुबह था, ओ कमरान, ओ शक्ल दिखाओ अपना। ये भाई हमारे जो है ना बंदे, हमारे बंदे जो है ना लगे हुए पैकिंग पे। जूस जो है ना, हम लोग ने कोयटा से लाया, अभी तक खलास ही नहीं हुआ है। बिस्किट अलग, सब कुछ अलग। तो खैर से भाई सुबह स्टार्ट हुआ है, बड़ा मज़ा आया। नींद यहाँ पे बादल ही बादल छाया हुआ था। अभी जो है ना स्टार्ट कर लिया है भाई अपना जो क्लासिक को। अभी खैर से निकलते हैं चाइना बॉर्डर के लिए। सुबह थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगने वाला था यहाँ पे, थोड़ा सा हिसाब किताब ख़राब हुआ, फिर उसके बाद जाके हालात जो है ना अंडर कंट्रोल हुए। तो सुबह से कामरान भाई यही गाना गा रहे थे, कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कहते हैं यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़रा मैं आप लोग को ना आज मिलवाता हूँ अपने जो ख़ास मेहमान हैं, जो स्पेशल गेस्ट जो है हमारे हैं, कामरान भाई। कुछ ज़्यादा भूल गया भाई। कुछ ज़्यादा भूल गया। तो कामरान भाई आपका बिल्कुल अभी तक तो पिकनिक स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? पहला तो बहुत है, बस कैमरा सामने है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। सोच समझ एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत। हाँ, हर पल को, हर पॉइंट को। आप लोगों से भी यही है कि आ जाएं, घूमें फिरें, लेकिन बोलना कुछ है, देखना कुछ है, महसूस कुछ है। हाँ, सारी चीज़ें। और हमारे पास यहाँ पे एक बंदा है ना, जो सुबह अगर आपको अलार्म की ज़रूरत पड़े ना, वो ये है। ये ज़रा मिस्टर खालिक अलार्म भाई। ओ अलार्म भाई, ये सुबह आप क्या दिमाग खा रहे थे? सुबह से छः बजे उठता है, सोता भी 3 बजे, 6 बजे उठता है। हमने जलील करके भाई शुरू है, कुर 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 कुर। नहीं यार, कहते सोने के लिए। अगर भाई बंदा जब इतना बड़ा सफ़र करता है, बंदे को तो रश का ज़रूरत पड़ता है ना, लेकिन ये बंदा जो है ना रश करने नहीं देता। ये सबसे सारे कामों में जो बेड़ा गर्क किया है, इसी बंदे का नाम है खालिक, कमांडर खालिक। यार कामरान भाई, आपने सुना इससे क्या कहा? इससे कहा, कहते हैं तुम लोग पिकनिक पे आओ या सोने आओ, बंदा जब इतना बड़ा सफ़र करता है, बंदे के बदन को रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है? खुद 4 बजे सोता है, कहते हैं वक्ती सो जाओ। वक्ती उठता है फिर गाड़ी में जो है ना, जल्दी उठता है, फिर उसके बाद जो गाड़ी में खुद सो जाता है। अभी देखें यहाँ पे जो इस जो मेन जगह है ना, जो पैकिंग का मेन जगह है, ताकि गाड़ी जितने भी झटके का चीज़ें ना गिरे ना, वो इस भाईजान के हाथ में है। आज तो उसने जैकेट पहना है, स्टाइलिश लगाया है, ऐसे जालिम जूते जैसे कि उधर एक्सट्रेल उसका BMW खड़ा हुआ है उधर। खालिक आप आओगे मोटरसाइकिल में? आप आओगे मोटरसाइकिल में इधर घूमने? वाह यार, सोलो कैंपिंग? हाँ, सोलो फुल। हाँ यार, गुड शॉट, बस रिलैक्स रहो। तो चलो सर, अभी हम लोग जो है ना अपना मतलब पैकिंग करें, मैं भी हेल्प कर लूँ दोस्तों का, भाइयों का, कि यहाँ पर जितना करो मतलब पिट जाता है, तो इससे ही ज़रा मैं सामान भी पैक कर लूँ, उसके बाद आप लोग से करते हैं गुफ्तगू और चटपट रहा मसालेदार बातें। खैर से जा रहे हैं गुजरात की तरफ। खैर अब तो आधे रास्ते तक तो हम लोग आए हुए हैं, अभी आगे से टनल शुरू होता है, छोटा सा टनल है, लेकिन आप लोग व्यू देख सकते हैं। ये सुना हुआ है कि वहाँ पे जो है ना इंसान का सांस बंद हो जाता है इतने हाइट पे। अभी ज़रा देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितना हाइट है उसका एग्जैक्टली। बारिश भी हो रहा था वहाँ पे पीछे, हल्की बारिश अभी कुछ जमीन जो प्लॉट्स हैं है।
भाई खैर से हम लोग पहुंच गए कुंजराब पहुंच गए चाइना, आगे चाइना का बॉर्डर है। और यहाँ पे ब्रीथिंग में थोड़ा सा इशू होता है और मज़ा आ रहा है। अभी जाएंगे ज़रा देख के, वहाँ पे हमें जाना है, तस्वीर लेनी है, हमें वहाँ पे तस्वीर लेंगे ज़बरदस्त। सर तस्वीर लेने एक, एक्सक्यूज मी सर, जरा हम लोग पहुँच गए कुंजराब बॉर्डर पे, जाने थे वहाँ गेट के पास खड़े होकर तस्वीर लेनी थी, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि VIP लोग आए हुए हैं तो उनकी वजह से जो है ना सिक्योरिटी है, तो इजाज़त भी आ जाना उन्हें भी आज आप। तो मैंने बोला कब, ये रास्ता उधर ही से होगा, रास्ता उस तरफ से ये रास्ता है। तो खैर अभी हम लोग का इरादा है, हम लोग को जाना है गाड़ी में, वहाँ जाना है गाड़ी में। अभी देखते कौन सी जगह से जो है ना गाड़ी उतार सकते, खलील इस तरफ से। अभी ज़रा सा हल्का सा एडवेंचर सीन है, जा रही है ये बंद करो चाकर अपना, किधर है वो, किधर है अजीज, किधर है उसको उठा लो, खाली को उठा लो अजीज से। ये भी शुक्र है कि इधर तक जाने दिया, इधर तक इजाज़त दिया आगे तक, ताकि हम अपना गाड़ी रोक सके वहाँ पे तस्वीर। भाई लोग यहाँ से वहाँ तक वॉक कर रहे हैं, अभी सांस फूल जाता है बंदे का, कसम खुदा कि इतने जो हाइट पे हम लोग आए हैं ना, वो देखो सारे वॉक करके आए हुए हैं, इतने वहाँ तक जाओ बंदे का सांस ही बंद हो जाता है। वहाँ पे VIP कौन से VIP यार, वो एम्बुलेंस खड़ा हुआ है और कुछ नहीं, पीछे से था रास्ता खलीला, इधर आगे से नहीं है, पीछे से नहीं है, इधर से आगे से उतारो खलीला, आगे जाओ भाई यार। पर दे तेरी खैर, क्या ठंडा हवा चल रहा है भाई, पूरा नाक ही जम गया। हाँ भाई नाक ही जम गया बंदे भाई, कहते हैं फंसेगा मेरी जान। ऑफिसर साहब ये गाड़ी बना हुआ है इसी चीज़ के लिए मेरी, यहाँ तो मज़े मज़े से बिस्मिल्लाह, मज़ा आ रहा है। एक आप लोग ट्राई करवा लें, ऊपर जाना, यहाँ से ऊपर उधर से जाना, इधर से इधर से ऐसे जाओ, वहाँ से जाओ, इधर से देख इस तरफ से चल, इधर से जाना, उधर से जाओ, उधर से जाके उधर से चलेंगे, इस तरफ से जाओ, नहीं 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 उधर से, उधर से कामरान खालिक उधर से चेक कर लेना, उधर से ऊपर देख, वो देख वो देख, उधर से मौज जाए। खलील उधर से रास्ता, यहाँ पे तो खड्डा है, उस उधर से रास्ता है खलील, उधर से हाँ फिर ऊपर चढ़ाई कैसे, हाँ पीछे लेके जाओ, इधर से भी आ जाओ, हाँ ना भाई यहाँ पे बंदा है, एडवेंचर ना हो तो मज़ा क्या है, ऑफ रोडिंग का मज़ा ही फिर क्या है। ये भी रास्ता है, ये पत्थर दे रास्ता है, स्लो स्लो
मजे से आ जाओ, स्लो स्लो। इस तरफ, इस तरफ, फुल इस तरफ, उधर से फिर इस दर, उधर से फिर ऐसा। फिर यहाँ से चढ़ाना है, यहाँ से, यहाँ से। ओए होए, वीडियो लगा हुआ रिकॉर्डिंग पे। हाँ मालिका, नहीं नहीं रोको, वो लगाओ, लॉक लगा लो, लॉक लगा लो। अभी आ जाओ, सीधे ही आ जाओ। हाँ इधर ही से, इधर ही से आ जाओ, इधर ही से आ जाओ। गर्म सांस है, गर्म हवा की सांस ना, क्या सांस ही बंद हो रहा है भाई, जम गए, फुल जम गए भाई। सर्दी, ओए अल्लाह, जाके गाड़ी में बैठ जाता, आगे तक जाना है, काफ़ी बड़ा सफ़र रह गया। जूते भी भाई हमने वाली पहनी है, पैरों में तो बिल्कुल, पैरों को सर्दी नहीं कर रही है, लेकिन हाथ जो है ना जम गए। अजीज को देखो किधर से आ रहा है, वो कमांडर को देखो भाई, जबरदस्त आ रहा है मजे से। वही सर्दी है, बड़ी ख़तरनाक सर्दी है। तो खैर से यहाँ पहुँच गए हम, ओह हमें इतना। हेलो, वो देखो एक्सरसाइज, देखो उसका एक्सरसाइज, देखो उसका एक्सरसाइज, देखो असल हीरो बन रहे। आए गए यहाँ पर सांस बंद, ज़रा बैठना गाड़ी में यार, सांस बंद हो गई कसम, यहाँ से बैठते हैं। जैकेट किधर है तेरा? ओह हाँ भाई, क्या सूरत है यार। पानी है नहीं यार, अभी जूस नहीं, छत पे रख दे, ठंडे में दिया जूस दे दे, उधर नीचे रख दे एक मिनट पर, यहाँ पे क्या है अभी तक ऑटो भी सेट नहीं हो रहा यार, तू तू सेट हो जा मेरे भाई। एक तो खुश्की ने बेड़ा गर्क किया है, अभी ऊपर से सर्दी। तो अभी हम लोग खैर से जा रहे हैं चाइना के फुल गेट पे, वहाँ पे भाई लोग, दोस्तों लोग को तस्वीरें लेने हैं, जिसको तस्वीरें लेने हैं तस्वीरें ले ले। हम लोग तो खैर गए वहाँ से वो पहाड़ी तक, आप लोग देख सकते हैं वहाँ तक गए, वहाँ से आए यहाँ पे, हमें आगे जाने नहीं दे रहे, यहाँ पे वीआईपी लोग हैं और ये आसरा उस्ताद। अभी चलते हैं आगे, तस्वीरें लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह खैर से हम लोग का स्टॉप जो होगा चित्राल पर होगा। चलो भाई यहाँ से भी आगे जाके वो कहते हैं बात कर लो, शायद हमें छोड़ ले गाड़ी लाने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है ना गेट पे खड़ा करना है खलील भाई का। हाँ
वो तो अल्लाह माफ करे, ऐसे आ रहे क्या है कि तो मुस्तफ़ा। तो खैर अभी NBP ATM, ओ ATM भी है ज़बरदस्त यार। तो खैर से भी आगे जा रहे हैं, सर्दी भी बहुत तेज़ सर्दी। पाक चाइना कॉम सेंटर, अभी ये गाड़ियाँ उंजा के आ रहे हैं वहाँ से भी। तो छो यार मोस्टली यहाँ पे जो नॉर्थ है ना, यहाँ पे सारे वो हैं जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं, इट्स ओके, और जा भी सकते हैं चाइना। समझ ही नहीं आता है यार, कस्टम वस्टम ख़त्म करें यार। एक नॉर्मल सा कस्टम पे रख के बंदा अपने लिए गाड़ी भी ले सके, गाड़ी इतना एक्सपेंसिव है जितना ज़मीन, उससे बेहतर है बंदा अपने लिए ज़मीन ही ले ले। अजीब सिस्टम इन लोगों ने रखा है खुदा की कसम। सर्दी बहुत सर्दी है अभी यहाँ, जो दोनों नाना लोग हैं ना लोग भी मज़े से वॉक कर रहे हैं। रुमकी कशगर तश्कुरगान, वन था एक जो है ना कश तश्कुरगान लगा हुआ है उस पर 30 किलोमीटर, सर कशगार 40 किलोमीटर और रुमकी 1890 किलोमीटर। फिर उसके बाद भाग जाते हैं यहाँ से, कि जो हमारे लंबी सफर है यहाँ से निकलना है, सत्रह हाल हो गया। और ये देख ले, दुबई से लिया हुआ शूज़ पूमा ओरिजिनल बेटा, हर कोई का ऐसे शूज़ लिया हुआ है कि इतना यूज़ भी नहीं हुआ, पड़ गए वो भी आउटलेट, ग्रैंड आउटलेट जो मेरे ख्याल से 13 में है, ग्रैंड आउटलेट कहते हैं, ओरिजिनल लास्ट पीस है। और क्या नाम है, होल सेल्स पे हम लोग बेच रहे हैं, यूज़ ही नहीं किया मैंने, एक ही दफ़ा पहना है मैंने, ये बेड़ा गर्क हो गया इससे तो। अच्छा तो मैंने यहाँ से गिलगित से मैंने वो फर्स्ट कॉपी स्केचर्स दिए, वो इस तरह नहीं है भाई, तो ओरिजिनल है यार। और बेड़ा गर्क कितना अमाउंट लिया कहते हैं, ओरिजिनल पक्का ओरिजिनल है। हम भी हैरान हैं भाई, इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, ओरिजिनल इतने में होता है। आउटलेट ग्रैंड आउटलेट है, ला के चोड़ों ने जाऊँ वहाँ पे ना सही बेइज्जत करूँगा। एक तो बंदा पहाड़ पे चढ़े तो चलो बंदा कह सकता है कि भाई जूते पड़ गए, मैंने ही नहीं पड़ गए, सुभान अल्लाह। चाइना की तरफ तो भाई सर्दी है इस इलाके में, सही सर्दी पहुँचते हैं वहाँ पर आगे। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, आप लोग देख सकते हो चाइना गेट जो है, चाइना बॉर्डर। और पाकिस्तान ने माशाल्लाह जहमत ही नहीं की बिल्कुल अपने लिए यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, खैर उन लोगों ने बनाया है जो भी है। अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी से फिर हमें भागना है किधर, चित्राल के लिए। और आगे का सफ़र भी बहुत बड़ा है, और हल्की हल्की बर्फ़बारी, जो बर्फ़बारी नहीं है वही हो रही है। यहाँ पर हम लोग ने बात भी की ताकि हम लोग यहाँ पर एक तस्वीर लें गाड़ी का, लेकिन उसका भी इजाज़तनामा नहीं दिया गया हमें, कहते हैं कि दूसरे गाड़ी वाले आएंगे। ये बात भी सही है, खैर इस चीज़ पे भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि एक बंदे को इजाज़त दो तो सारे लोग आ जाते हैं, ये बात है। क्योंकि लोग जो है ना, हम काफ़ी दूर तक अपने गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, वहाँ से वॉक करके यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे जो खलील भाई है वो चीज़ें नहीं मानते, मैं कहता हूँ यार, वो कहते हैं नहीं बस खलास, बंदा क्यों अपने आप को एक वो पोजिशन पर डाले, किसी को जारी मिन्नत करे, क्यों करे भाई, नहीं कर खलास, पता है कि नहीं इजाज़त देंगे नहीं देंगे। अभी उसका मूड ऑफ हो गया कि मुझे अपना जीप जो है ना यहाँ पे खड़ा करना है और चाइना गेट के साथ तस्वीर लेनी है। तो खैर ये सूरत हालात है, अभी चलते हैं आगे इंशाल्लाह, देखते हैं चित्राल तक जो हमारी सफ़र रहेगी कितने घंटे की है। फिर उसके बाद चित्राल कलाम है, सॉरी मैं उस पर बड़ा कन्फ्यूज़ होता हूँ प्रोनाउंस करने में, वहाँ पे जाएंगे। फिर वहाँ से इंशाल्लाह खैर से निकलेंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है, ओह माय गॉड, 6:17, इसका मतलब है वो टोटल होगा
9 से 10 घंटे का सफ़र, हाँ 9 से 10 घंटे का सफ़र। फिर उसके बाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, फिर कराची से खैर से वापस रवानगी दुबई, बागो भाई। बस इस दफ़ा वो लंबी टूर पे जो पाकिस्तान का मैंने टूर लिया वो भी फर्स्ट टाइम इतना लंबा टूर जो पाकिस्तान में स्टे कर रहा हूँ मैं भी, वरना तो कभी भी नहीं इतना स्टे हुआ। मोस्टली जोर लगाया विद इन 1 वीक और 10 डेज। बस हमारे जो व्लॉग्स हैं वो टूर्स वाले हैं, फिर हम लोग दुबई वापस चले जाएंगे, ना टूर ना व्लॉग है ना कुछ है, बस इन्जॉय करें आप लोग। और हम लोग अभी खैर से पहुँचे गाड़ी के पास और वहाँ से इंशाल्लाह खैर खैरियत से रवाना हो जाए। हम यहाँ पे रुक गए हैं यक यक देखने के लिए। अभी अल्लाह जाने के ये हमला करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो उतरा हूँ ना इन स्लीपर्स में, अभी देखते हैं ये अल्लाह करे भागे ना, भागे नहीं मारे नहीं, हम लोग मारे नहीं और भागे ना, भागेगा नहीं वो उसके पास जाए, वो शरीफ है, सारे एक ही हैं। वो फाड़ पे देख और रहा है उधर देख, شوفوا هذا الحيوان يسمونه يك يسمونه يك شوفوا هذا يسمونه يك هذا بس على حدود الصين يعني بين هالمنطقة وحدود الصين तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे बुरे दुंजा से पहले आता है एतबार से पहले आता है। तो यहाँ पे हमारे साथ भाई हैं, आपका नाम सईद महमूद शाह, सईद महमूद शाह भाई है, और दूसरे भाई वजाहत अली, वजाहत अली सर। और सर आप लोग कैसे हैं? शुक्रिया भाई, आप लोग उस बात तो माशाल्लाह जन्नत है आपके बंदे। वहाँ पे हम लोग गए कैंप, सिर्फ कैंप अपना लगाने के लिए, कैंप के लिए कहते हैं 2000, मैं कहता फिर उससे बेहतर मैं रूम ही ले लूँ। ये झील है माशाल्लाह, यहाँ पे मछली है इसके अंदर? नहीं सर, ये अच्छा। और ये कितना फुट गहरा है? पिरामिड में तकरीबन 100 फीट गहरा है। ओ तेरी खैर, ये नेचुरली है, इसका इन आउट कुछ नहीं है, इन आउट कुछ नहीं है, जो बारिश आता है वही भर जाता है इसमें? नहीं, ये तकरीबन 200-300 साल पहले का इस तरह है। अच्छा, मछली नहीं है मछली इसमें? नहाते लोग जी, स्विमिंग करते हैं आप लोग? आते हैं? नहीं हमें नहीं आता है। ना करें यार, हम असल में सीखे नहीं। आप लोग कहाँ गए? हम गिलगित से। गिलगित के? देखो भाई ये गिलगित के बंदे, आप लोग मोहम्मद सलीम भाई ये आपके इलाके के बंदे हैं, देख हमारे साथ इस तरह नाजायज कर रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं आपके रेस्ट हाउस ही आ रहे हैं, आप देख लें जरा जोर गौर से देख लें इस बंदे। नहीं भाई बड़े प्यारे बंदे, अल्लाह खुश रखे।
वो भाई बड़ा तकबर में था बंदा, बड़ा अजीब बिहेवियर था उसका, वो कर्ड हेयर वाला। हां मेरे ख्याल से पहले 2019 में भाई आए थे इधर, वो बड़े बाल वाला का मैंने पूछा उसका नाम मैं भूल गया। हां नहीं आगे गए नहीं, इधर हम लोग को इधर असल में जाना था, ये जगह नहीं, इधर हम लोग को इधर कैंपिंग करना था असल में। हां मैं कैंपिंग करना था। दोस्तों क्या हाल है, ठीक ठाक खुश हो, उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से हो गए। यार क्या नाम है, खालिक तोड़ गाने की आवाज़ कम कर लेना बस। तो एक्चुअली हम लोग निकले थे, मैंने बोला चलो बाद में व्लॉग बना लूँगा क्योंकि थके हुए भी थे। तो खैर से हम लोग निकले गिलगित से, हम लोग स्टे किए थे 2 डेज़ क्योंकि मैं बीमार था, तो उसी की वजह से हम लोग जब निकले गिलगित से, हम लोगों ने चलो भाई हम लोग जो है ना ईद जो है खैर से इस्लामाबाद में मनाएंगे। मैंने बोला अचानक से जो वीडियो है ना, मैं ईद का जो है ना फैसल मस्जिद में इंशाल्लाह आप लोगों को शो करूंगा, व्लॉग उधर ही बनाऊंगा, नमाज़ पढ़ूंगा। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ, हमारे साथ ये हुआ जो हम बबू सर टॉप के जो चढ़ाई पर हम लोग चढ़ रहे थे, गाड़ी बार बार जो है ना गर्माइश ऊपर जा रही थी क्योंकि इसके जो पंखा है उस 5 जो उसके वो फैंस होते हैं ना उसमें से एक टूटा हुआ था फर्स्ट। दूसरा बार बार गाड़ी रोक रहे थे हम लोग, टंडा कर रहे थे, मतलब रेडिएटर के जो ऊपर है ना जाली के ऊपर हम लोग पानी डाल रहे थे। खैर वो सब कुछ हो गया, जब आ गए हम लोग पहुंच गए जिधर सख्त सर्दी है, जिधर सख्त सर्दी है वहाँ पे अल्लाह की तरफ से खैर है, इसी में भी खैर है भाई, वो पुली जो होता है ना जो फ़ैन को पकड़ता है वो टूट गया, टूटने का मतलब वो लूज़ हो गया। वो जब लूज़ हो गया तो पंखा जो था ना वो आवाज़ें लगा रहा था लेफ़्ट राइट टक 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 आवाज़ें, वो हम लोगों ने रोक दी गाड़ी। जब हम लोग इस तरह की जगह पे गाड़ी रोक देते हैं ना, और हमारे जो है मलिक साहब हैं खलील भाई, वो तो माशाल्लाह ऐसे जल्दी ना टेम्परेचर उसका गाड़ी का जैसे ऊपर जाता है, उसे भी हमें असल में 4 पंखे लगाने होने चाहिए, उसे भी सलाम है और खालिक भाई को भी सलाम है क्योंकि इस सर्दी में हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। वो दोनों जो थे गाड़ी का जो है ना पंखा वो पूरा कवर खोल रहे थे, पंखा निकाला पुली है, पुली भाई वाटर पंप है, क्या है वाटर बॉडी जो है ना वो माशाल्लाह से लीक हो गई। खैर से हम लोग निकले वहाँ से, खैर खैरियत से हम लोग आए बाबू सर टॉप पे। मैंने कहा चलो भाई हम लोग चाय पी लेते हैं, तो गाड़ी भी थोड़ी सी हम लोग उसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा हो जाएगी गाड़ी। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़े अफसोस होता है पाकिस्तान में, मोस्टली ये नॉर्थ साइड में, मतलब आप इंसान के मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, हर जो चीज़ है वो डबल प्राइस है। सर टूरिज़म इसको नहीं कहते हैं टूरिज़म, आप लोगों में से जितने भी व्यूअर्स होंगे वो बाहर मुल्क घूमे वो देखें किस तरह हिसाब किताब है, गिलगित में अलग था, गिलगित में जो है प्राइस लेस था, वो चाहे आपको जानते हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके जो स्टाइल है वो अलग है, जो हम बाहर के लोग आते हैं वो पहचाने जाते हैं, वहाँ पे प्राइस नॉर्मल है। यहाँ पे आ जाओ बाबू सर टॉप पे माशाल्लाह वो तो ऐसे लगा रहा था। और हाँ उससे पहले चला से आगे मैंने 2 पानी और कोल्ड ड्रिंक्स ली 1,000 रुपये। मैंने बोला माशाल्लाह कितने का, कहते हैं सर 140 का एक है वो कैन वाला छोटा। मैंने बोला गुड शॉट। तो खैर से वो सारे जलालत के साथ हम लोग आ गए, इधर पहुंच गए, अभी मज़े कर रहे हैं। हमारे खालिक भाई जो है ना वो नाच रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे कहते हैं ये लोग पागल हैं, उन्हें पता नहीं कि हम किस लिए खड़े हुए यहाँ पे। बस यही दुआ करें, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर खैरियत से हमें नाराम पहुँचा दें। अभी वहाँ पर जाके देखते हैं कि जो पुली है और वाटर बॉडी जो है वो नॉर्मल, कल ईद भी है और हमें पहुँचना था इस्लामाबाद, खैर से ईद नमाज वहीं पर पढ़ना था वो कज़न के फ्लैट पर। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात यह है अभी नारायण पे जाके, अभी वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ वीडियोज़। मैं तो भाई सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, जिस तरह के लोग हैं जिस तरह बिहेवियर है मैं उनके बारे में इसी तरह कर, जो इलाके के सही है मैं कहता हूँ वो सही है। गिलगित के भाई बड़े ज़बरदस्त लोग थे, वेलकम लोग थे। इवन हम लोग गए किधर, और किधर गए हम लोग यार, वो दूसरा जगह कौन सा था, एताबाद जो है वहाँ पे गफूर भाई थे, अल्लाह उसे सलामत रखे, कसम खुदा की बड़े ख़ानदानी बड़े वेलकम बंदा था, हमें यानी हॉस्पिटलिटी में वो नंबर 1 था। और हमारे गिलगित में जो थे हमारे खावर भाई थे, खावर भाई आई मिस यू सीरियसली, हम सब आपको मिस करते हैं। आप यहाँ पे होते गाड़ी ख़राब भी होता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था भाई, आपके साथ यहाँ पे बैठ के भाई सही गपशप। यहाँ पे ये बंदा सोया हुआ है काले चश्मे पहन के, और ये काले जो चश्मे हैं ना ये वो मैयत भाई के हैं, जो मैयत है वहाँ पे पड़ा हुआ अल्लाह माफ करे, ये उनके। उससे पहले कह रहा था कि भाई ये जो है लड़कियों के ग्लासेस हैं, तुम लड़कियों के ग्लासेस पहनते हो, कुछ पिए क्या जिस पड़ा हुआ। इस्लामाबाद में ईद करेंगे, एंजॉय करेंगे, टेट मजे करेंगे, लेकिन वो मजे हमारे ग्लेशियर के सामने बैठे हुए हैं। अभी दिखाते हैं
ये पानी के ऊपर गाड़ी खड़ी है कि गाड़ी ठंडी हो जाए इंजन, वो इंजन ठंडा ही नहीं होने दे। देख लेना हाँ। सामने देखो, बाहर देख, दिखा दे भाई। यार नजर नहीं आएगी, इधर दे देख कैमरा इधर। हाँ हाँ नजर आ रही है, ये देखिए सारे बर्फ है, ये सारे बर्फ है, ये हाँ सही है बर्फ है, और नीचे पानी जा रहा है भाई, नीचे पानी भाई जबरदस्त। यहाँ पे रुके हुए हैं और इस्लामाबाद तो क्या अभी नारायण किसी तरह पहुंच जाए कि वहाँ पे अभी जालिम मिस्त्री जो बैठे हैं वो अभी पता नहीं क्या करते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं नहीं, तो ईद नहीं होती फिर तो क्वेटा से आ जाता है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं था। देखिए कल ईद है और छुट्टी भी है, छुट्टी भी है, लोग टाइम हो रहा है नो और कल से लोग निकलेंगे लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, माशाल्लाह रोड भी सारा बंद हो जाएगा, हम पक्के 3-4 दिन जो है ना नारायण में रह गए, अभी देखते हैं क्या होता है। और फिर उस टाइम होटलों का प्राइस कितने में पहुंचेगा? जो 500 रुपए वो 50,000 हो जाएंगे। अस्तग़फ़िरल्लाह। और वैसे की बात हो, हमारे पास सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। घर से हम लोग वो रोकी गई क्योंकि वीडियो एक प्राइवेसी बात चल रही थी दोस्तों के दरमियान। हमारे बहुत खास आदमी है, ये आपको दिखाते हैं, कार्टून से कम नहीं, ये बैठा हुआ सर आप दिखा दें इसको, लेडीज ग्लासेस पहने हुए और नहीं नहीं सबसे जबरदस्त चीज वो देख दिखाओ तुम उधर, लेकिन इंजन से माइनस वाला पानी जा रहा है, बहुत आराम आराम से नीचे होंगे। ये वैसे आप लोगों को ये बात बता दूं कि हम लोग ने अभी तक चित्राल हम लोग गए नहीं है, चित्राल सवात हम लोग ने जो रूटीन हम लोग का स्केड्यूल था वो पूरा ही लॉन्ग रूट टर्म था, हमें तो एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि हमें असल में यूँ करना था, हमें जब क्या नाम है बाबूसर टॉप नहीं सॉरी आई मीन हमें असल में यहाँ से अगर हम चले जाते ना सवात चले जाते तो सवात पर हम घूमते सारे जो इलाके वहाँ से हम सीधा जो चलते अल्लाह आप लोगों को भला करे इस्कर्दू की तरफ से, फिर इस्कर्दू से देवसाई से अस्तोर से रामा, फिर वापस उतर के गिलगित। गिलगित का डबल स्टे आप लोग अगर वो आपके ऊपर है तो खैर गिलगित पे स्टे कर लेते, गिलगित के बाद खैर से यहीं पे क्या नाम है बाबूसर टॉप पे आ जाते हैं, बाबूसर टॉप से आके ये नाराम पे अपना कैंपिंग कर लेते, कैंपिंग के बाद सीधा खैर से इस्लामाबाद। अच्छा हंस रहा है, किस लिए हंस रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो खैर से हम लोग जो है एटलीस्ट हम लोग पहुँच गए नारान, नारान पहुँचे, न गाड़ी का फैन था, न फैन, न रेटर, न पानी था, न पानी, गाड़ी का इंजन स्टार्ट, बाबूसर से हम नारायण बाजार में लालाजार होटल में तक इंशाल्लाह की हुकुम से अल्लाह ने पहुंचाया हमें, बेशक माँ की दुआ, बहनों की दुआ, भाइयों की दुआ, जिस की दुआएं थी हमारे साथ बस उनकी दुआ से पहुंचे, और ये नामुमकिन बात थी, ये चढ़ाइयों पे आप लोग सब जो आए उन सबको मालूम है कि कैसे रास्ता किस तरह पहुंचे, कसम खुदा की वो तो अल्लाह ही जानता है कि हम लोग किस तरह घंटों लोग इंतजार किया है, वो सबके मुंह जो है इतने हो गए थे, सबके मुंह इतने हो गए थे, कितने हुए थे, इतने छोटे हो गए थे कि क्या होगा। लेकिन एक बात कि भाई मैं सच में दिल से कहता हूँ, मैं तारीफ नहीं करता अपने दोनों भाइयों का, खैर हम तो बाकी दोस्त जो है ना भाई हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे कम्बल में अपने आप को सही क्या नाम है वो क्या कहते हैं लपेटे हुए थे, ये कमांडर साहब इसको सलाम है भाई, और ये भाई मलिक साहब को सलाम है खुदा की कसम, इस तरह सर्दी में इसने जो किए, और इस भाई को सलाम है जो इसने हमें वो गाड़ी तो उतरा ही नहीं है। तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, अभी कल इंशाल्लाह ईद नमाज भी है, ईद नमाज है, अल्लाह खैर करे, कल अल्लाह करे हम लोग उठे ईद नमाज के लिए, जो फरमाए बराए मेहरबानी कमरे में स्त्री और पता नहीं ना करें क्या ना करें वो अल्लाह जाने, आप लोग देख लें क्या लिखा हुआ है, क्या हो गया, देखे ये फोकस करें। तो खैर अभी भाई लोग जो है ना अभी खाने का कुछ है नहीं, ऐसे खाली रोड मारते हैं देखते हैं, रोड नहीं भाई खाना तो देखेंगे, कुछ तो खाएंगे या लेंगे दिखाएंगे, हाँ कुछ इधर ही खाएंगे, चलो दोनों जाते हैं बंद करो, चलते हैं भाई खाना खा के। तो यहाँ से हम लोग आप लोग को कहते हैं तहे दिल से शुक्रिया एंड पटू दे अल्लाह हाफिज, ये पटू दे अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज सर, खुदा हाफिज।